हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फोर्स 2 के सेकेंड वीक के कलेक्शंस के बारे में, यानी कि दो हफ्ते के कलेक्शन अब सामने आ चुके हैं। पहले हफ्ते में फिल्म ने किस तरह से कमाल किया, फिर दूसरे हफ्ते में फिल्म कितनी बुरी तरह पीटी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हफ्ते में फिल्म बहुत ही सही रूल कर रही थी, कुछ ज्यादा बड़ी टक्कर उसे नहीं मिल रही थी कहीं से। तो पहले हफ्ते में फिल्म ने करीबन करीबन 30 करोड़ तक का बिजनेस किया था, लेकिन जो दूसरा हफ्ता था वो काफी ज्यादा परेशानी भरा रहा, क्योंकि डियर जिंदगी भी उसी वक्त रिलीज हुई थी, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा था, बहुत सारे इश्यूज के वजह से ये फिल्म उतनी अच्छी कमाल नहीं कर पाई। और सेकेंड वीक की कलेक्शन का जो फाइनल टोटल आया है वो मैं आपको बता दूं, वो आया है 37.5 करोड़। ये आंकड़े मैंने कोई मूवी से लिए है, तो आई थिंक किसी को ज्यादा इतना एतराज नहीं होगा इस आंकड़ों से। हर एक वेबसाइट पर अलग अलग आंकड़े, बट आई थिंक कोई मूवी एक अच्छा खासा सोर्स है, तो उस हिसाब से आंकड़े आए हैं 37.5 करोड़। तो ये एक अच्छा कलेक्शन मैं कह सकता हूँ सेकेंड वीक के हिसाब से। तो इस सेकेंड वीक में मतलब फिल्म ने कमाया है सिर्फ 7.5 करोड़, यानी कि पर डे आप समझ लीजिए फिल्म ने 1 करोड़ कमाया है सेकेंड वीक में। तो ये फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ के ऊपर जा सकता था अगर डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा नहीं होता तो, पर कहीं ना कहीं जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आपके है। तीसरे वीक में मुश्किल ये है कि फिल्म को ज्यादा ऑडियंस मिले। अगर तीसरे वीक में फिल्म 2 से 2.5 करोड़ भी कमा लेती है तो अच्छा कलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं इसका लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो 40 करोड़ के लगभग का इसका इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा। लेकिन ये जॉन इब्राहिम की एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी इनकी पिछली जो फिल्म थी रॉकी हैंडसम, उसने सिर्फ 26 करोड़ कमाए थे लाइफ टाइम कलेक्शन के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा, ताहिराज बसीनो और जॉन इब्राहिम की ये फिल्म एक अच्छा कमाल करती नजर आ रही है। तो आई होप ये फिल्म एक्चुअली फ्लॉप तो नहीं साबित हुई है अभी तक, और आई होप ये इसका जो बजट है मैंने आपको बताया कुछ 45 करोड़ तक का है वो रिकवर कर सकेगी या नहीं। लेकिन मुझे जिस हिसाब से लग रहा है बिलो एवरेज शायद रह जाएगी, तो देखते हैं अभी जिस हिसाब से कलेक्शन सामने आएंगे आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म में मतलब जो अर्निंग है थोड़ी बहुत कम है, और थोड़ा और ज्यादा अर्निंग इसकी होनी चाहिए थी। कुछ और बॉलीवुड खबरें बात चलेगी तो मैं जब जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।